हेलो गाइस, दुबई से मैं एक साल बाद आया पटना। बाइक मेरी हमेशा शुरू हो जाती है बिल्कुल एक बार, एक स्टार्ट में। इस बार भी हुई थी, एक स्टार्ट में ही शुरू हुआ था गाड़ी। मसला वो नहीं है, मसला ये है कि मैं हमेशा डिस्क लॉक यूज़ करता हूँ। पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें दिखाया भी है डिस्क लॉक के बारे में और हैंडल लॉक के बारे में। तो बट मैंने जो इस बार डिस्क लॉक लिया था वो सस्ता वाला लिया था अमेज़न से ही। पर सस्ता नहीं लेना चाहिए क्योंकि डिस्क लॉक हो गया था जाम और मुझे कटवाना पड़ा। एक जगह मैं गया था घूमने के लिए, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डिस्क लॉक हो गया लॉक और जाम हो गया, वो खुल नहीं रहा था। तो कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ मैंने बाइक पार्क किया था, तो वहाँ पे फिर डिस्क लॉक कटवाना पड़ा। एक भैया मिल गए तो उन्होंने वो ग्राइंडर से काट दिया उसको। ये मेरी बाइक है यामाहा FZ250 और उसके बाद मैंने ख़रीदा ऑल एक्सट्रीम का डिस्क लॉक। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब पहले भी एक्चुअली मैं यही लेने वाला था बट पैसा बचाने के चक्कर में नहीं लिया था, बट इस बार ले लिया मैंने। तो इस पर लिखा था स्टेनलेस स्टील है, अब कितना अच्छा काम करेगा तो बातें पता चलेगा। वापिस जा रहा हूँ दुबई और जब अगली बार आऊँगा तो देखूँगा इसका रिव्यू कैसा रहता है और कोई जंग या रस्ट पड़ता है नहीं पड़ता है कैसा है, देखेंगे। फ़िलहाल इसको डिस्क लॉक को लगाते हैं और डिस्क लॉक लगाने का दो बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। तो सबसे बड़ा दो फ़ायदा ये है कि कोई भी आपका बाइक चोरी नहीं करेगा, मतलब उसको दो लॉक तोड़ने पड़ेंगे बाइक चुराने के लिए, तो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर आप पीछे वाले टायर पे डिस्क लॉक को लगाते हैं तो उसका एक बड़ा फैक्टर है कि आपका बाइक कोई टो करके नहीं ले जा सकता, अगर आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, ये निकाल लिया मैंने डिस्क लॉक को, एक हाथ से यूज़ करना पड़ रहा है। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है ऑल एक्सट्रीम का डिस्क लॉक, तो स्टेनलेस स्टील वाला फील तो है। चलो इसको लगा देते हैं जल्दी से। हाँ, एक और बात, जब डिस्क लॉक यूज़ नहीं करना है तो मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ, मैंने ऐसा हुक लगा रखा है। ओके, और जब यूज़ करना है तो उसको यहाँ लगाता हूँ मैं। बात, अगर आप लोग को भी बाइक कवर चाहिए जैसा मैंने यामाहा के लिए ख़रीदा है, ये तो ये काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी अच्छा है, बाकी नॉर्मल कवर से फटता नहीं है, अभी तक फटा नहीं। जैसे मैंने पहले भी पैसा बचाने के चक्कर में सस्ता कवर ख़रीदा बट वो सब फट जाते थे, बट ये वाला काफ़ी अच्छा है। और पीछे में इसमें टाई है और नीचे में हुक लगाने का है, और ये गंदा है क्योंकि साफ़ नहीं किया था, ये एक साल से पड़ी हुई थी। बट ये कवर अच्छा है। ओवरऑल चाहिए तो चेक ऑप्शन पर लिंक इसका भी मिल जाएगा। मैं चलता हूँ दुबई, ठीक है, बाय बाय।